हाय गाइस, तो मैं आपकी जान और मेरा नाम गुरुप्रीत सिंह। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 26 जनवरी मतलब कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इसके पीछे की वजह क्या है वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आज गणतंत्र दिवस है और पूरे भारत में आज इसे बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाएगा। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसके संविधान को अपनाया गया था, जिसके तहत भारत देश को एक लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणतंत्र देश घोषित किया गया था। तो इसीलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब देखते हैं कि गणतंत्र दिवस मनाने की परंपरा किसने शुरू की थी। तो गाइस, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। इसके बाद से हर साल इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन देश में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। जैसा कि आपके स्कूलों की छुट्टी होती है और कॉलेजों की भी, और जो आप जॉब करते हो उसकी भी। तो गाइस, इस वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर अभी तक आपने अपनी जान का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक करिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।